Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard geography lesson number 4, that is structure of ocean floor. इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर. ये चेतना डाइजेस्ट का है, नवनीत का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मिस चेतना का बनाइए, तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँ. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे. ओके, लो रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि मिसेज स्किप मत किया कीजिए, तो इसे देख के आप समझ लीजिए. मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि अर्थ पे जो वाटर का प्रपोर्शन है, वाटर और लैंड का, वो अनइवन है. वाटर का प्रपोर्शन ज़्यादा है अर्थ लैंड के कंपैरिजन में. वी क्लासीफाई द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. देखो यहाँ पे हम लैंड फॉर्म जो हैं अर्थ पे, जो लैंड फॉर्म है, कहीं इस तरीके से है, कहीं पे एकदम समतल है, कहीं पे ऐसे पठार जैसा है, तो इसे हम क्या करते हैं, उस अलग अलग अल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंग पे हम अलग अलग लैंड फॉर्म क्लासीफाई करते हैं. लैंड सबमर्ज जो हो जाते हैं ओशनिक वाटर से, उसे बोलते हैं ओशन फ्लोर. जो लैंड पूरा ओशनिक वाटर से, यानी समुंदर के पानी से पूरा भरे रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, उसे हम बोलते हैं ओशनिक फ्लोर. द ओशन फ्लोर रिलीव्स कंसिस्ट ऑफ ऑल सबमर्ज लैंड फॉर्म्स. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो देख लीजिए. ऑलरेडी आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बने हुए हैं, हर एक चैप्टर्स के वीडियोस बने हुए हैं क्वेश्चन आंसर के. आप प्लेलिस्ट में चेक करो तो आपको सारे ही मिल जाएंगे. अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के. पहला क्वेश्चन देखो, लाइक देयर आर लैंड फॉर्म्स ऑन लैंड, द ओशन फ्लोर ऑल्सो हैज समर्ज लैंड फॉर्म्स बिकॉज. तो बिकॉज देयर इज लैंड अंडर वाटर. सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला पहला ही. नाउ सेकेंड देखते हैं अभी, विच पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर इज मोस्ट यूजफुल टू मैन. सो देखो यहाँ पे यही थर्ड वाला, फर्स्ट वाला ही. ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ. उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिलेटेड टू मरीन डिपॉजिट्स. सो यहाँ पे आंसर देखिए, पहला ऑप्शन है रिवर्स ग्लेशियर्स रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यहाँ पे थ्री ऑप्शंस और दिए हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शंस हैं वॉल्केनिक ऐश लावा, ओके, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, ये वाला करेक्ट है. फोर्थ है, द डेप्थ ऑफ द मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन इज अराउंड, कितना है ये. सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. ओके, हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. तो यहाँ पे ये हम सबको पता है 71%, ठीक है, वाटर से कवर्ड है. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया, विच ऑफ दीज लैंड फॉर्म्स इज यूजफुल फॉर डीप सी रिसर्च. सो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मरीन ट्रेंचेस, मरीन डीप्स. ओके, यानी कि डीप सी रिसर्चेस के लिए कौन से लैंडफॉर्म यहाँ पे यूजफुल हैं, तो मरीन ट्रेंचेस एंड मरीन डीप्स. विच ऑफ दीज आर अप्रोप्रिएट टू बी यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बॉर्डर्स एंड नेवल बेस बिल्डिंग कॉन्टिनेंटल स्लोप. बिल्कुल क्लियर है सारे आंसर्स, एक भी वर्ड ब्लर नहीं है यहाँ पे. मुझे कमेंट्स बार बार आते हैं मिस ब्लर है. आप पहले मैक्सिमम रिजोल्यूशन पे देखिए, फिर भी अगर ब्लर है तो उस पर वीडियोस बन जाएंगे. आपको जस्ट कमेंट करना है कि मिस ये ब्लर है वीडियो, आप क्लियर वीडियो बना दीजिए, ठीक है. मैक्सिमम रिजोल्यूशन देखने के बावजूद भी अगर ब्लर है तो गिव ज्योग्राफिकल रीज़न. द स्टडी ऑफ द ओशन फ्लोर इज़ यूजफुल टू मैन. तो स्टडी करना ओशन फ्लोर का इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. क्यों, क्या रीज़न है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. द ओशन इज़ वन, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफिकल रीज़न बताओ, तो रीज़न यहाँ पे आपको बताना है. तो चार रीज़न दिए गए हैं. पहला तो ओशन क्या है, अर्थ का मोस्ट वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स है. बिल्कुल सही बात है, हमें बहुत कुछ उससे मिलता है, और इसे फूड जो लोग फिश वगैरह खाते हैं उसमें के जो एक्वाटिक एनिमल्स जो लोग यूज़ करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे फूड भी प्रोवाइड होता है, और हमें समंदर से ही नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, माइनिंग के बाद, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को माइनिंग करने के बाद मिलते हैं. और नेक्स्ट क्या है,
जो मरीन लाइफ है उसे समझने के लिए, उसके प्रकार को समझने के लिए समुंदर के जो मिनरल्स हैं ओशन बेड पे, उसकी अवेलेबिलिटी, ओशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स ऑन द ओशन बेड तो बहुत ज़रूरी है उनको समझने, मरीन लाइफ के बारे में, उनके अलग अलग प्रकार जो ओशन बेड में हमें मिलते हैं उसको समझने में हेल्पफुल होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ अ पैराडाइज फॉर फिशिंग एक्टिविटी, इसका क्या रीज़न है, तो इसकी भी रीज़न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ज़्यादा जो फिशिंग करते हैं, फिशिंग ग्राउंड्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है क्योंकि ये पार्ट कैसा होता है, शैलो होता है, सनलाइट यहाँ तक पहुँचती है इसके बेड तक, तो अलगाई जो होता है, प्लैंकटन ये यहाँ पे ग्रो करते हैं और ये क्या होते हैं, फिश के लिए फूड होता है, फिर यहीं पे फिश भी आते हैं और लोग फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये पैराडाइज है फिशिंग एक्टिविटी के लिए। सब मरीन आइलैंड आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सी माउंटेन्स, तो यहाँ पे देखो उसके ऑप्शन यहाँ पे उसके दिए गए हैं, इजी हैं सारी चीज़ें। कॉन्टिनेंटल स्लोप इज कंसिडर्ड टू बी द बाउंड्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसके भी थ्री ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर का भी मैंने आपको शो ही किया है, यहाँ पे टू वन पॉइंट का और रिमेनिंग है वो भी देख लीजिए। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द ओशन बाय मैन इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, किसको नहीं पता ये बात, हर किसी को पता है, क्यों इसका रीज़न बताना है। तो देखो सीवेज जो गटर का पानी है, सॉलिड वेस्ट जो जल्दी घुलते ही नहीं है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें फेंक दे रहे हैं उसमें, वेस्ट केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सब के सब क्या करते हैं, वो डिस्पोज कर देते हैं ओशन में। ओशन की मतलब कि अब ऐसे ही फेंक देते हैं तो सारी चीज़ें बह के कहाँ जाएंगी, ओशन में ही जानी है सबको। दीज वेस्ट प्रूव हैजार्डस टू द हाइड्रोस्फीयर, तो जो हाइड्रोस्फीयर है उनके लिए बहुत बड़ा एक हैजार्डस है, खतरा है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट कॉजेज पॉल्यूशन, यस जो इको मरीन इको सिस्टम है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेटन्स है, खतरा है, बहुत बड़ा पॉल्यूशन है ये, और ये मटेरियल क्या करते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल है मरीन लाइफ और इसके एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के आपको आंसर ब्रीफ में देने हैं, पॉइंट वाइज दिया गया है, हाउ कैन मैन हेल्प टू स्टॉप ओशनिक पॉल्यूशन, तो देखो यहाँ पे दिया गया है कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो एनर्जी हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, इतना कंजम्पशन जो इतना हम बढ़ावा दे रहे हैं उसको कम करो, रिड्यूस करो, सेफ़ और सस्टेनेबल सी फूड करो, चॉइसेस दैट बोथ हार्मफुल एंड सस्टेनेबल। एक चीज़ ये भी है कि इंसान जब इतने सारे एनिमल्स को खा रहे हैं तो जो एनिमल्स इन चीज़ों को खाते हैं तो फिर वो बेचारे बिना खाए पिए मर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उतना ही खाओ, उतना ही चीज़ें यूज़ करो। अब जैसे जो चीज़ें बहुत कम हैं या जो खुद ही वो विलुप्तता के कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, उसको भी इंसान खा रहा है ज़बरदस्ती मार मार के, तो फिर क्या हो रहा है, तो वो तो गायब ही हो जाएंगे ना। से नो टू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, हेल्प टेक केयर ऑफ द बीच, टेक केयर ऑफ द बीच, बीचेस जो हैं उसकी ध्यान रखनी जरूरी है। डू नॉट परचेस आइटम्स दैट एक्सप्लॉयट मरीन लाइफ्स, ऐसी चीज़ें ना खरीदो जो कि मरीन लाइफ के को एक्सप्लॉयट करें, उनका शोषण करें। ओशन फ्रेंडली पर्सन बनो, नुकसान मत करो, इन्फ्लुएंस चेंज इन योर कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी में एक चेंज लाने के लिए इन्फ्लुएंस करो। एडुकेट योर सेल्फ अबाउट ओशन मरीन लाइफ, अपने आप को एडुकेट करो। वाटर मरीन ओजोन ओजेस, तो यहाँ पे देखो दिया गया, लावा और जो ऐश एरप्ट होते हैं वल्केनिक से, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं मरीन बेड्स में, तो जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, वो कहाँ रह जाते हैं, मरीन प्लांट्स में रह जाते हैं और एनिमल्स मिक्स हो जाते हैं एक साथ, डिपॉजिट मरीन मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड लाइज इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्ले, फिर ये क्या बनते हैं, फाइन क्ले में बन जाते हैं। दिस इज अराउंड 30% ऑफ द डिपॉजिट, दीज आर कॉल्ड मरीन ओजेस, इसी को क्या बोलते हैं, मरीन ओजेस। वॉट आर लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें देखो, अलग अलग प्रकार की वैलीज, प्लेटोज, माउंटेन, हिल्स, ओके, ये सारी क्या हैं, लैंड फॉर्म है। हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म, तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है वो बताना है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, लेयर बाय लेयर उस पर बनते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक, तो ये किससे कैसे होता है, प्रेशर ऑफ सी वाटर से। ये आपने देखा भी होगा, समुंदर की साइड आप जाओगे तो बहुत सारे आपको ऐसे पत्थर दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि एक आई थिंक भुई गांव या फिर कहीं तो है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे पत्थर देखोगे। सो बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं, उन पत्थर में जा जा के ना कुछ तो ढूंढते रहते हैं,
वहाँ पे उनको मिल जाता है वो सी पैसेज, जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल में से ढूंढ ढूंढ के कुछ तो निकालते रहते हैं खाने के लिए। और एक बार तो जब हम लोग गए थे तो हमने देखा था कि एक इंसान ने उसको ऑक्टोपस मिला, तो ऑक्टोपस भी वो लोग खाते हैं, ठीक है। तो वो लेके गए उसको घर पे, हम लोगों ने बोला भी कि इसको पानी में छोड़, बोले नहीं हम लोग खाते हैं इसको। और वहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे पत्थर हैं, तो ये आपको लैंड, ये इस तरीके के पत्थर मिल जाएंगे। आप उसमें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर ना लेयर बाय लेयर है, ठीक है, ऐसे पत्थर रहेगा, लेकिन उसमें आप देखोगे तो ऐसे लेयर्स, आपको ऐसा लगेगा कि ऊपर का क्लियर निकालेंगे तो दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, इस तरीके से वो दिखता है। सो बहुत सारे हम लोग तो जैसे बहुत बार क्या होता है बच्चों को दिखाने के लिए, जैसे अगर उनको वसई फोर्ट दिखाना है या फिर अलग अलग जैसे अरनाला फोर्ट दिखाना है, तो जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो फिर हमें वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो उसे। तो ये हमने पढ़ लिया, हाउ डू वी क्लासीफाई द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जो अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स है कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो उनका जो साइज़ है, एल्टीट्यूड्स एंड साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये भी मैं आपको बताते चलती हूँ साथ साथ में। डिफाइन करना है, सिर्फ आपको बताना है कि ओशन फ्लोर क्या है। लैंड सबमर्ज बिलो ओशनिक वाटर इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर। जो सबमर्ज हो चुके हैं, भर गए हैं, सबमर्ज हैं, मिल चुके हैं, मतलब भर गए हैं ओशनिक वाटर से, उसे क्या कहते हैं, ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या कहते हैं, ये हमने ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी पीछे से। नियर द कोस्ट, कोस्ट के पास में जो सबमर्ज होते हैं, यानी जो जो लैंड एरिया जो सबमर्ज रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो बीचेस होते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है एक्सटेंट ऑफ जो बढ़ा देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, और द स्लोप ऑफ द सी बेड बिकम स्टीपर। जो सी बेड क्या होते हैं, स्टीपर, गहरे, एकदम गहरे होते जाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। सबमर्ज हिल्स एंड माउंटेन्स, जो हिल्स और माउंटेन्स सबमर्ज हो जाते हैं ओशन में, जो पानी के अंदर होते हैं, वो उनको बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया, चलिए आगे देखते हैं। अभी मैं आपको ये दोनों साइड का एक्सप्लेन करती जाती हूँ। देखिए कुछ बच्चों को होता है कि कुछ भी एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ ऐसे ही शो कर दो, लेकिन ज़्यादातर मुझे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप एक्सप्लेन नहीं किए ये चैप्टर, एक्सप्लेन कीजिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स ओके, हम देख लेते हैं। सुनामी कोस्टेरिया में क्या देता है, तो ये पता है कि जो अर्थक्वेक है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब समुंदर में होता है, ओशन बेड में जब होता है, इसी की वजह से सुनामी होता है नियर बाय कोस्टल एरिया में। यानी कि सुनामी कैसे होता है, तो कोस्टल एरिया में, तो वही वॉल्केनिक करप्शन से, अगर समुंदर के नीचे कोई पहाड़, जैसे हमने देखा ना पहाड़ हिल्स होते हैं, तो अगर वो फट उसमें से फटे, वॉल्केनिक करप्शन हुआ तब, या फिर अर्थक्वेक नीचे भी आता है क्योंकि वो भी तो ज़मीन ही है ना, तब भी सुनामी आती है। क्योंकि जब ऐसे इस तरीके से ज़मीन में हलचल होगी तो पानी तो ऊपर उठेगा ही, पानी ऊपर उठेगा तो फिर वही सुनामी है। अब सुनामी का मतलब जो बहुत, यानी कि 40 मीटर्स इससे भी ऊपर जब लहरें उठती हैं तब। वाट डिपॉजिट, यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग जैसे हमारी होती हैं, अगर कई सारे फ्लोर की अगर हम देखें, अप टू 10 फ्लोर के अगर जैसे बिल्डिंग की हैं, उससे भी ऊपर की लहरें आएँ, तो समझो कि वो क्या है, तो वो है आपका सुनामी। वाट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द मरीन बेड्स, तो देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, पेबल्स मिलते हैं, क्ले मिलता है, सॉइल मिलता है, ये सब ब्रॉड बाय रिवर्स, ग्लेशियर एट्सेट्रा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स आर डिपॉजिटेड ऑन मरीन बेड्स। ये सब कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, मरीन बेड में। मरीन डिप्स एंड मरीन ट्रेंचेस यहाँ पे देखो दिया गया है। ऑन द ओशन बेड दी देयर आर सम लैंड फॉर्म्स विच आर डीप, नैरो एंड स्टीप, दे आर कॉल्ड मरीन डिप्स और ट्रेंचेस। विच इज़ द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है वर्ल्ड में पूरे, मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। ये कितना डीप है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे देखो दिया गया, इसका डेप्थ अराउंड है 11,034 मीटर। यहाँ पे देखो ये मैच किया हुआ है, जैसे देखो आइसलैंड, तो ये अटलांटिक ओशन में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है ना। चागोस प्लेटू, तो चागोस प्लेटू ये आपका है इंडियन ओशन में। द मरियाना ट्रेंचेस ये आपका है पैसिफिक ओशन में। अभी हमने यहाँ पे देखा ना, ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। तो ये चीज़ है, आप अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन आंसर सारे पढ़ लेते हो ना, तो छोटे छोटे आंसर्स तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, दिमाग में रहेगा।
बहुत सारे बच्चे ट्रिक करते भी हैं. विच आर द मोस्ट एक्टिव एरियाज ऑफ द ओशनिक बेड इन द वर्ल्ड? सो मिड ओशनिक सबमर्ज हिल्स एंड मरीन ट्रेंचेस. तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, ये दिया गया है. वॉट कैन बी ऑब्टेन बाई माइनिंग द कॉन्टिनेंटल शेल्फ? नेचुरल गैस मिलता है, मिनरल ऑयल मिलता है, अलग प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं जो हमें माइनिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ को माइन करने से मिलता है. मुंबई हाई लोकेट, वेयर इज मुंबई हाई लोकेटेड? सो ये लोकेटेड है अरेबियन सी में, अरेबियन सी के पास, ठीक है. वॉट पॉजेज अ डेंजर टू द ओशन बेड एंड द सी वॉटर? अनवॉन्टेड मटेरियल सच एज सी वेज, वही सारी चीज़ें जो कि क्या है, खतरनाक है ओशन बेड के लिए और सी वाटर के लिए, सी वाटर में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी. ये क्वेश्चन रह गया, ये मैं आपको बताती हूँ. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ये दिया हुआ है, इसी में से आपको चूज करना है. जैसे देखो, द कॉन्टिनेंटल स्लोप इज, कॉन्टिनेंटल स्लोप कैसे होते हैं, नैरो, तो ये वाला आंसर यहाँ पे आएगा. मुंबई हाई इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अभी हमने देखा ना ये अरेबियन सी. मुंबई हाई इज लोकेटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऑन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला. देन एक्सटेंसिव फिशिंग ग्राउंड्स आर फाउंड इन द, सो ये क्या है, ओशन, राइट, ये वाला. द एवरेज डेप्थ ऑफ द, ये सारे जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है. तो यहाँ से आप देख लो, हम फटाफट आके देखते हैं नेक्स्ट. चलिए, ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी है वही वही वापस से रिपीट रिपीट करके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं. ये जो क्वेश्चन है ये आपको टेक्स्ट बुक से ही है, और यहाँ पे देखो, ट्राई टू नेम द लैंड फॉर्म्स शोन इन द फिगर, बहुत ईजी है ये. तो देखो, जो ये पहला है हमें दिख रहा है प्रॉपरली, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, करेक्ट. और सेकंड जो है ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके. और उसके बाद थर्ड, ये यहाँ पे देखो सब दिया गया है, ठीक है. फोर्थ यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पार्ट. फिर फिफ्थ ये वाला, ये दिया गया हमारी इंट्रेंच. फिर सिक्स, ये जो है मिड ओशनिक रिज. ओके, यहाँ पे सेवेंथ नहीं है, ये बोला सबमरीन प्लेटो. जो सबमरीन प्लेटो, जो कि इसमें प्लेटो, यहाँ पे देखिए सबमरीन प्लेटो है ये. एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये रॉन्ग लग रहा है आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक सेवन पॉइंट भी दिया गया है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सेकेंड है यहाँ पे इसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला गया है, लेकिन ये तो प्लेटो का ये शेप है. मैं आपको दूसरा बताती हूँ, इसे मत देखिए ये आंसर, ये आंसर मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिक्स पॉइंट तक दिया गया है और यहाँ पे सेवन तक आंसर है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है. तो हम देखते हैं इसका दूसरा आंसर, मैं आपको बताती हूँ. ये देखिए, यहाँ पे देखिए सही दिया गया है, ये माउंटेंस है यहाँ पे, ठीक है. फिर ये प्लेटो हुआ, ये कोस्ट हुआ, और ये सी लेवल हुआ, ओके. यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम आंसर है. तो यहाँ से देखिए इसे, ओके. चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अभी. यानी कि हमने क्या देखा, ये वाला जो पार्ट था ये वाला, तो ये क्या है आपका मरीन डीप, ओके.
What parameters were used to classifying the landforms of the on the earth? तो यहाँ पे देखो दिया गया है एल्टीट्यूड, बेसिस ऑन द एल्टीट्यूड, सी लेवल से एल्टीट्यूड कितना है, कितना ऊंचा है उसके अकॉर्डिंग. यहाँ पे आपको बोला गया थिंक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन लैंड कैन बी डन ऑन द बेस ऑफ एल्टीट्यूड एंड साइज. देन हाउ कैन द लैंड फॉर्म्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर बी क्लासिफाइड, वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है. तो वो क्लासिफाई किया जाता है बाय द डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर, सी फ्लोर से वो कितनी गहराई में है और उस लैंड का शेप क्या है जो सी वाटर के अंदर है. आप एक बार ज़रूर इसके पहले के जो मैंने डाइजेस्ट आंसर्स अपलोड किए हुए हैं वो भी एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है. और भी आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो अलग से आपको डाइजेस्ट क्वेश्चन आंसर के मिल जाएंगे, आप उसमें चेक कीजिए. अब यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है तो यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज दिया हुआ है. तो अभी आपके स्कूल में कैसे बोलते हैं, अगर आपका यही डाइजेस्ट है चेतना का ही तब तो आप ऐसे आपको लिखना है. अदरवाइज शॉर्ट नोट्स हम पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है. तो एक बार इसीलिए बोल रही हूँ, आप वो भी देख लेना जो आपको सही लगे, आप वो लिखिए जो आपके स्कूल में बोला जाए, पूछ लीजिए अपने टीचर से तो वो आप लिखिए. ओके, मैंने दोनों ही प्रोवाइड किया है और दोनों ही डिमांड पे ही किया है, स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही किया है. विच आर नॉन पेरिशेबल, सो मेटल्स, प्लास्टिक, ये सब नॉन पेरिशेबल है ना, खत्म ही नहीं होते. विच ऑफ दिस आर पेरिशेबल आइटम्स, सो प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स पेरिशेबल आइटम्स हैं. वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स, क्या होता है. तो 30% जो डिपॉजिट्स होते हैं ओशन फ्लोर में होते हैं और ये क्या होते हैं, पेरिशेबल आइटम्स मिक्स हो जाते हैं लैंड के साथ और क्या बनते हैं, ऐश एंड फाइन सॉइल पार्टिकल्स टर्निंग इंटू फाइन क्ले, फिर वो मिट्टी बन जाते हैं एकदम पतले पतले, ठीक है. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड, फिर बाद में वही क्या बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर्स ओवर लेयर्स से, तो सेडिमेंट्स एंड द प्रेशर ऑफ सी वाटर, फिर ये तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पर रॉक्स बनते हैं. लेकिन अब यहाँ पे बोला गया है नॉन पेरिशेबल आइटम से क्या होगा, तो इससे तो नुकसान ही नुकसान है, हार्मफुल होता है मरीन लाइफ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए. नॉन पेरिशेबल आइटम्स क्या करते हैं, डेंजर क्रिएट करते हैं ओशन बेड और सी वाटर में जाके. सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल डिपोजिशन ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑन द कोस्ट, तो यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं. साइंटिस्ट बेचैन क्यों है, किस चीज़ ने साइंटिस्ट को बेचैन कर दिया, तो वही सेम चीज़ ये, ठीक है. मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स तक जो फ्लोर हैं ओशन फ्लोर आर नॉट ओल्डर. ओके, द मैक्सिमम एज ऑफ रॉक्स इन द कॉन्टिनेंट्स इज सपोज टू बी 3200 मिलियन ईयर्स. दे वॉन्टेड टू फाइंड आउट वेयर हैव द डिपॉजिट्स ऑन द सी बेड ओल्डर दैन 200 मिलियन ईयर्स गॉन, दिस मेड देम रेस्टलेस, इस चीज़ ने उन्हें बेचैन किया है, परेशान है. यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये चैप्टर, असाइनमेंट यहाँ पे इससे रिलेटेड दिया गया है. कोई डाउट है कमेंट से भी पूछिए. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले. और जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और सारे वीडियोज़ मैं आपके कॉमेंट्स पर ही बनाती हूँ, ठीक है. तो जब कमेंट्स मुझे आते हैं जिस भी चैप्टर्स के तो मैं वो प्रोवाइड कर देती हूँ जल्द से जल्द, जब जब भी स्टूडेंट डिमांड करते हैं.